हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो यूजीसी नेट यूनिट फर्स्ट पेपर जो होता है उसी के फर्स्ट यूनिट पे हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर हम जो फर्स्ट यूनिट हमारी है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने दो वीडियो यहाँ पर आपके साथ पहले से डिस्कशन की हैं और ये हमारी आज तीसरी वीडियो है। यहाँ पर हम एजुकेशन एंड टीचिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट डिस्कशन करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने इस चैनल पर बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो जिस तरह की बना रखी हैं, तो आप जो है वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाकर। आइए डिस्कशन करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में अपनी एजुकेशन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण डाटा आपके साथ डिस्कशन किया था, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। तो इस प्रकार ये आप एक बार पढ़ लेना, ये जो है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। आज हम उससे आगे के वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। एक बार स्टार्ट में पढ़ते चलते हैं आपके साथ। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि ज्ञान के माध्यम से अपने संस्कारों व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण से सम्मिलित होकर अपनी क्षमताएं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर सकें, अपने परिवार समाज राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहज करता है, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अध्यात्म आत्म साक्षात्कार है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और ये बात किसने कही है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिसका अर्थ अपने आप में सार्वभौमिक आत्मा की प्राप्ति करना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुभव शिक्षा के बिना असंभव है। अरस्तु ने यहाँ पर जो है बहुत प्यारी बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इसके बाद हेनरिक पेस्टोलॉजी, जॉन डेवी, तो आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर हम उससे आगे का डिस्कशन करेंगे। शिक्षा से संबंधित जो हमारी रिपोर्ट है यूनेस्को के द्वारा स्थापित डिलोर कमीशन 1996, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो है शिक्षण यानी कि टीचिंग। पिछली वीडियो जो मैंने ली वो एजुकेशन से रिलेटेड थी। एक्चुअली दोनों टॉपिक ये जो है एक साथ पढ़ाने थे, लेकिन वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से हम इसको जोड़ते हुए सेकंड वीडियो में लेके आए हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन शिक्षण। तो शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। और शिक्षा का मूल अर्थ क्या था? शिक्षा का मूल अर्थ था ज्ञान प्राप्त करना। क्या था? ज्ञान प्राप्त करना। और शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षण जो है दो प्रकार का हो सकता है, अनौपचारिक और औपचारिक, दोनों प्रकार का हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षण मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान किया जाता है और यह प्रायः निःशुल्क होता है। निःशुल्क क्यों होता है? क्योंकि घर परिवार में कोई आपको कोई शिक्षा दे रहा है तो उसके पैसे तो लेगा नहीं। आप मामा से क्या सीख रहे हो, पापा से क्या सीख रहे हो, मौसी से क्या सीख रहे हो, नानी से क्या सीख रहे हो, या आस पड़ोस से आप जो भी सीख रहे हो उसके कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है, देना है। तो ये निःशुल्क शिक्षा होती है जो समुदाय द्वारा, परिवार द्वारा व्यक्ति सीखता है। इसके बाद एक शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है? औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। इसमें कुछ शुल्क देना पड़ता है जो भी शिक्षण संस्थान निर्धारित करती है। वर्तमान में बदलते परिवेश में पारिवारिक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। यानी कि अनौपचारिक माध्यम जैसे कि जो यहाँ पर बताया गया है परिवार और समुदाय, इनका महत्व तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब जो वर्तमान परिदृश्य है वहाँ पर सामाजिक आर्थिक पारिवारिक और अन्य परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। यूनेस्को जो है शिक्षा से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में
मनाने के लिए निर्धारित किया है 5 अक्टूबर को। भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। कितनी तारीख को? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। हमारे यहाँ जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसका जो है एक हमारे राष्ट्रपति जी हुए हैं, सेकेंड राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। तो आइए हम आगे देखते हैं शिक्षण की परिभाषा। तो शिक्षण की अनेक परिभाषाएं हैं, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। तो शिक्षण की अनेक परिभाषाएं हैं, उन्हीं परिभाषाओं में से हम यहाँ पर कुछ मुख्य परिभाषाओं की बात करेंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। यानी शिक्षा क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। उद्देश्यपूर्ण मतलब शिक्षा अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस की उद्देश्यपूर्ण दिशा है कि शिक्षण का जो दिशा है वो उद्देश्यपूर्ण है, कि कोई उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के लिए जो है शिक्षा प्राप्त की जा रही है। इसके बाद शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो शिक्षण के बारे में एक परिभाषा ये हो गई। तीसरी बात क्या कहेगी? शिक्षण ज्ञान अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कि शिक्षण क्या है? ज्ञान अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। ठीक है, इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीकों से संगठित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल गई कि शिक्षण क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों अदर वेरिएबल्स को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षण छात्रों द्वारा वंचित ज्ञान कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। तो शिक्षण से क्या होता है? छात्रों को समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकने योग्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ जो थी यहाँ पर डिस्कशन की गई आपके साथ। अब यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन इसी में से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से शब्दों को बदल दिया जाएगा, और इसी वजह से ये जो परिभाषाएँ हैं सारी की सारी परिभाषाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको 2-3 बार आप पढ़ना और इसके बाद जो है आपको स्वयं याद हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि शिक्षण की प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं। तो प्रकृति और विशेषताएँ। तो शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक गतिविधि के अंतर्गत शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कही जाती है। शिक्षक इसके अंतर्गत सभी गतिविधियाँ जैसे शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्रविधि, मूल्यांकन इत्यादि का उद्देश्य बौद्धिक विकास ही है। इस वजह से इसको जो है मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि कहा जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से हम नहीं बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि शिक्षण मूलभूत 2 प्रतिरूप होते हैं। शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप होते हैं, एक प्रशिक्षक केंद्रित और एक शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है उसे पेडागॉजिकल अप्रोच कहते हैं, और जो हमारा शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है इसे
एंड्रागोजिकल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में, इसमें जो है इसे शिक्षण का विज्ञान भी कहा जाता है, किसको, पेडागोजी को। इसमें शिक्षक शिक्षण के मुख्य पहलुओं जैसे कि अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण गति और अध्ययन सामग्री, शिक्षण प्रविधि को तय करने में प्राथमिक भूमिका ग्रहण करता है। तो इसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, और इसमें शिक्षार्थी केंद्रित में शिक्षार्थी स्वयं में जो है मुख्य भूमिका में होता है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे किसी पॉइंट पर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आगे आते हैं हम लोग शिक्षण के विभिन्न स्तर, शिक्षण के विभिन्न स्तर। तो शिक्षण के बहुत सारे स्तर होते हैं और उसी में जो है शिक्षण का आपने पढ़ा होगा मेमोरी लेवल, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, और इस तरह के शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं, जो कि इन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण कि शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। बिल्कुल, शिक्षण का कोई ना कोई पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या ये सब निर्धारित होता है, उसी के अनुसार शिक्षण गतिविधि होती है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है, ये भी जो है इसकी विशेषता है। प्रकृति के अंतर्गत पढ़ा जाता है कि जो शिक्षण का वातावरण होता है वो कैसा होता है, गतिशील होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। शिक्षण अधिगम लर्निंग, जिसे लर्निंग भी कहते हैं, अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यानी शिक्षण का, अधिगम का, अनुदेश का, प्रशिक्षण का आपस में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण एक संव्यवसाय या वृत्ति भी है। ठीक है, शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण सहायक होता है। ठीक है, तो शिक्षण एक समृद्धि या व्यवसाय भी है। ठीक है, इसके द्वारा जो है लोगों को शिक्षण के क्षेत्र में बहुत सारी जो है पाठ्यक्रम हैं, बहुत सारे इसमें इसके कोर्स भी होते हैं, एग्ज़ाम भी होते हैं शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए, और जो है ये एक व्यवसाय भी है। इसके लिए इस व्यवसाय को, व्यवसाय कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इसके बाद शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के हमने आपके साथ महत्वपूर्ण पॉइंट, जो भी शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएँ थी, आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन किया। शिक्षण की परिभाषाएँ यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन की गई। तो जो कि ये सारे के सारे पॉइंट जो भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन किए गए हैं, लगभग 8 पॉइंट हैं, ये सारे के सारे जो है परीक्षा में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप इनको ध्यान से पढ़ना, और जो है UGC नेट टीचिंग एप्टीट्यूड में इसी तरह के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं, शिक्षण का कोई स्तर नहीं होता है, शिक्षण मूलतः गतिविधि जो है बौद्धिक गतिविधि नहीं है, है इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको सही ऑप्शन छाट के टिक करना होगा। तो जैसे कि ये बता दिया कि शिक्षण के मूलभूत 4 प्रतिरूप होते हैं, जबकि यहाँ पर बताया गया कि शिक्षण के मूलभूत कितने प्रतिरूप होते हैं, 2 प्रतिरूप होते हैं। तो इस तरह के जो है पॉइंट, डाइवर्जन वाले पॉइंट जो कि गलत लिख दिए जाएंगे, आप अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने आपके साथ जो है शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएँ डिस्कशन किया। इसके बाद हमने आपके साथ यहाँ पर शिक्षण की अनेक प्रकार से परिभाषाएँ, जो परिभाषाएँ थी उनको डिस्कशन यहाँ पर किया। ठीक है, इसके बाद जो पिछली क्लास हमारी थी जिसमें हमने जो है शिक्षण के बारे में, शिक्षा के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर हमने शिक्षण का मूल अर्थ ये सब डिस्कशन किया। तो ये शिक्षण जो है ये हमारी क्लास शिक्षण की थी आज की। पिछली क्लास में मैंने ये सब, जैक्स डिलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित किए हैं, ये सब मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया था, और जिसे क्लास 2 के नाम से हमने इसे प्लेलिस्ट में जो है सेव कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो ये हमारी जो इस प्रकार एजुकेशन एंड टीचिंग की क्लास पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम विभिन्न जो महत्वपूर्ण टीचिंग के लेवल हैं और अन्य विशेषताएं जो भी हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपने व्यू कमेंट के माध्यम से जरूर दें वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।